हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुनीसा फाउंडेशन। लास्ट मंथ जो है, जब मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, जब ये मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, तो मैंने आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी शेयर किया था। क्योंकि गाइस, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे आपको इसका जो है, आप इसको देख सकते हो। लास्ट मंथ जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं और हर किसी का अलग अलग जवाब देना जो है पॉसिबल नहीं है, तो सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूं जिसमें आपके सारे ही सवालों के जवाब होंगे। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी थे। कितने लोगों ने तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी किए कि हमने तो मंगा लिया लेकिन अभी हमको नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसा होगा। तो बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे ही कवर करने की कोशिश किए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर से बताना चाहूँगी, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग, रिव्यू और लाइव रिजल्ट भी शेयर किया था। क्योंकि अब एक महीने से ज़्यादा हो गया है मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए, तो सुनीसा फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं, या आने आगे भी आपको जितने भी सारे डाउट्स आने वाले हैं, उन सबका जो है सर्च रिसर्च के मुताबिक जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों से जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना छूटे। और वीडियो को जब आप पूरा एंड तक देखोगे, तब अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बहुत सारे लोग जो है आधी ही वीडियो देखते या एक दो मिनट की वीडियो देखते हैं और फिर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और फिर वो कमेंट सेक्शन में पूछते, तो मेरी जो है ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ पूरी वीडियो देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पे बिल्कुल भी मैं इसके पैकेजिंग की और इसकी उसकी बात नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी वो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कैसा है, पैकेजिंग कैसी है, ओवरऑल सब कुछ मैंने जो है यहाँ पे और लास्ट वीडियो में शेयर किया है। यहाँ तक कि मैंने आप लोगों के साथ लाइव रिजल्ट भी शेयर किए हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी कि तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगा देनी है, आप वहाँ से भी जाके मेरी लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सुनीसा फाउंडेशन जो है ये 3-in-1 एयर कुशन सीसी क्रीम भी है और बीबी क्रीम भी है और ये एक फाउंडेशन है। तो इसमें ये तीनों ही सारी क्वालिटी है, सीसी क्रीम भी है, बीबी क्रीम भी है और ये फाउंडेशन का भी काम करता है। अच्छा गाइस, बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि हमारी स्किन ऑयली है तो हमने अगर इसको अप्लाई किया तो फिर ऑयल फिर से निकलता है क्या? तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और मैं अभी भी कहूँगी कि ऑयल नहीं निकलता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है ये फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम। बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि हम इस पर कॉम्पैक्ट पाउडर को जो है अप्लाई कर सकते क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपकी ऑयली, सुपर डुपर ऑयली स्किन है तो आप कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा मैटिफाई हो जाए और आपकी जो है स्किन फ्लॉलेस दिखने के साथ साथ जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल तो है, लेकिन जो है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आपने कुछ भी अप्लाई किया, दाने वाने आ जाते हैं, तो प्लीज़ एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें। क्योंकि मैं सेंसिटिव स्किन वालों को रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन अदरवाइज़ ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। ओके गाइज, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे पूछा है कि ये हमारा स्किन शेड जो है, हमारी सांवली स्किन है तो हम पे जाएगा क्या? तो ये काफ़ी लाइट है, तो मैंने पहले भी कहा था कि ये काफ़ी लाइट शेड है, तो आप यहाँ पे भी बहुत ही क्लियर देख सकते हैं, मेरे ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये बिल्कुल भी डेली इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये अगर आप पार्टी में जा रहे हैं या फिर ब्राइडल किट तैयार कर रहे हैं, ये ब्राइडल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शादी फंक्शन में जा रहे हैं, कुछ भी ओकेशन है तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपकी चॉइस है कि आप इसको डेली इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। दोनों ही हैंड में आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। एक महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद जो इसके बेनिफिट मुझे लगे, तो ये आपको फ्लॉलेस स्किन देता है और सबसे फुल कवरेज देता है, लाइट वेट फीलिंग, ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ भी बहुत ज़्यादा लगा है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी और हल्की सी जो है ना शाइन देता है ये आपको, फुल कवरेज एंड नेचुरल ड्यूई फिनिश। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, पफी आइज़ है या फिर रेडनेस है, ब्लामिशेस है, दाग धब्बे है, इन सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से कवर करने के साथ साथ जो है फ्लॉलेस स्किन देता है आपको और बहुत ही ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करता है, जो मैंने इसके साथ इतना टाइम एक्सपीरियंस किया है। स्वेट प्रूफ है, ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, परफेक्ट है ऑल स्किन टाइप वालों के लिए।
अच्छा, किसी ने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि जो डार्क सर्कल्स हमारे होते हैं तो वहाँ पे जो है एज अ कंसीलर हम इसको इस्तेमाल कर सकते क्या? तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा टू मच वाले जो है ना डार्क सर्कल है, तो उस पर आप डबल कोट अप्लाई करें, लेकिन ये अच्छी तरीके से हाइड कर देता है। आपके दाने हो, दाग धब्बे हो, सभी को बहुत ही ईजिली कवर कर देता है, फुल कवरेज है इसकी। ओके गाइस, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ साथ है ना, मेरा टी जोन पे बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, तो उस पर भी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रहता है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑयल को अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। कॉम्पैक्ट पाउडर को अगर मैंने अप्लाई किया ना, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी है, ये आपकी स्किन को फ्लॉलेस स्किन बना देता है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, दाग धब्बे हो जाते हैं, ब्लैमिशेस हो जाते हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से हाइड करता है। अच्छा गाइज, एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा आया है कि इसकी प्राइस कितनी है। तो जब मैंने इसको बाय किया था तो 1260 रुपये में मैंने इसको बाय किया था, लेकिन अभी जो है ये ऑनलाइन अमेजोन पे जो है आपको अंडर 500 रुपीज़ में मिल जाएगा, और वो भी बहुत अच्छी रेटिंग के साथ, बेस्ट सेलर के साथ, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हम इसको कहाँ से बाय करें, तो लिंक मैंने आप लोगों को दे देनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने बस मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, बाइंग लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। शेड्स की अगर बात करो, कितने शेड्स, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद भी मुझे कोई खास शेड्स इसमें नज़र नहीं आए। नेचुरल और इवोरी जो ही दो ही शेड्स इसमें अवेलेबल मुझे नज़र आए हैं, लेकिन दोनों में लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडियन स्किन टोन के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और इसको आप एज अ ब्राइड या फिर जो है पार्टी शादी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डेली करना है तो एज़ योर चॉइस। अच्छा गाइज, इस फाउंडेशन की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये फाउंडेशन प्लस बीबी क्रीम प्लस सीसी क्रीम है, इसमें तीनों ही सारी चीज़ें वो है, लेकिन एक चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगती है कि जब हम हैवी कवरेज वाला फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना, तो हमको बहुत ज़्यादा हैवी सा फील होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई लोचा नहीं, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट फाउंडेशन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमने लगाया है नहीं लगाया इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट फाउंडेशन है, जो कि मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी। और उस दूसरी जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है, ये इसके साथ जो मिलता है ये ब्यूटी ब्लेंडर, अगर हमने अलग से भी ब्यूटी ब्लेंडर अच्छी जो है ब्रांड का लिया तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, अगर अंडर 500 रुपीज़ आपको मिलेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। और ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप दी गई है, हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा हम इस पर ध्यान रख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है, क्योंकि अगर हमने अच्छे ब्रांड पे इन्वेस्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो ये दोनों की प्राइस अगर अंडर 500 आप लोगों को मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है अफोर्डेबल आपको मिल जाएगा एक अच्छे फाउंडेशन पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो लिंक मैंने दे देनी है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, और ये मैंने बहुत सारे ही क्वेश्चंस जो है इसमें कवर करने की कोशिश की हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।